Welcome to my channel, Silk Articles by Mary. आज जो मैं लाई हूँ ये थोड़ा हायर लेवल की स्टडीज का है. स्टूडेंट्स को मैंने बताना था जो हायर लेवल पे थोड़ा स्टडी करते हैं. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डबल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट पास कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है वहाँ आप क्या करेंगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा आपने किसको किसके रिस्पेक्ट से करना है और किसको किसके रिस्पेक्ट से करना है. आप देख सकते हैं ये 0 to x हमने करना है dy के रिस्पेक्ट से, और ये जो 0 to 1 है ये हमने करना है dx के रिस्पेक्ट से. ठीक है, बेसिकली रिस्पेक्ट से इसलिए करना है क्योंकि आप देख सकते हैं कांस्टेंट तो किसी के रिस्पेक्ट से भी करो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास एक वेरिएबल सी पावर आ जाती है ना ये थोड़ा इशू करती है. सो हम जो क्या करेंगे, x है तो उसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे, अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो उसको x के रिस्पेक्ट से करते. ठीक है, ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करने लगे. लेट्स सी अब हम ये किसके साथ क्या करेंगे. सबसे पहले मैं करूँगी इसको एक y के रिस्पेक्ट से. ठीक है, सो ये कुछ इस तरह मैं लिख देती हूँ 0 to x square. ठीक है, पहले हम इसको कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट से. ठीक है, क्योंकि ये x square एक वेरिएबल पावर आ गई थी हमारे पास, ये हम कर रहे हैं इसको इस रिस्पेक्ट से. ठीक है, और उसके बाद हम इसकी थोड़ी इंटीग्रेशन करते हैं. बाकी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना वो साथ साथ चलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ये साथ साथ चलेगा. सही, ये लेकिन हम ये ब्रैकेट डाल लेंगे और डी एक्स को बाहर ही रखेंगे. ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा जो है सॉल्व करने की तरफ जाते हैं. तो ये इसकी इंटीग्रेशन कुछ यूं होगी, एक्स बाहर आ जाएगा, अच्छा जी एक्स बाहर आ जाएगा ई पावर y over x. सही है, और अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊंगी. ठीक है, क्या है लिमिट, 0 to x square. नीचे 0 लिखूंगी, ऊपर लिखूंगी x square. सही है, अब मैं क्या करूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले इस सारे में x डालूंगी, x square डालूंगी जहां जहां x है, फिर डालूंगी 0, यानी कि और दोनों के दरमियान करूंगी माइनस. अच्छा जी, देखें जी अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x e पावर x square, यानी मैंने y की जगह अब डाला है x square डिवाइडेड बाय x, सही हो गया, माइनस 1, यानी कि e पावर 0 करूंगी तो वो 1 हो जाएगा, वो कुछ इस तरह हुआ है. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नीचे चलेंगे हम, सही, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास आया सॉल्यूशन में, इस पार्ट के सॉल्यूशन में x पावर e पावर x और साथ में माइनस x, सही हो गया. अब हम इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट से. सही है, सो चलते हैं x के रिस्पेक्ट से. ये जो मैंने किया 0 to 1 डी एक्स, सही, अब चलें जी इसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट से. एक पार्ट तो हमने कर लिया ये वाला, अब हम करेंगे ये वाला. सही, अच्छा जी, x के रिस्पेक्ट से मैं करने लगी हूँ इसको. सो x के रिस्पेक्ट से मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो क्या आया मेरे पास, अच्छा जी अगर इसको मैंने x के रिस्पेक्ट से किया है तो x e पावर x ये एज इट इज ही आएगा. इसके ऊपर फिर मैंने लगा देनी है लिमिट 0 to 1. अब यहाँ 0 to 1 है ना,
सो लिमिट हमारी यहाँ पे 0 to 1 होगी, माइनस एक्स है तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 into 1, 1 into e power x, साथ ही साथ dx। अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, हाफ पोर्शन को किया, हाफ को नहीं किया, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। माइनस इस x को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर लगा दे अगर हम लिमिट, वो क्या होगी 0 से 1, सही है। अब हमारे पास फिर आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा e पावर 1 माइनस 0 माइनस e पावर x होल पे ऊपर लिमिट माइनस, यहाँ पे हम करेंगे ये अप्लाई तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने करना है इसको सॉल्व, e पावर माइनस e पावर 1 माइनस 1, ये इसमें हमने कर लिया माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक सोल्यूशन कर दिया है, आप देख लें तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/2। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे क्वेश्चन कर दें, अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, या मेरी ईमेल पे अपने क्वेश्चन जो है वो मेल कर दिया करें, तो मैं आपको उसका सलूशन अपलोड कर दूंगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आईबेन गिवन है, उस पर अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा अगर आपने नून अकेडमी ज्वाइन नहीं की तो मेरा क्लास 12 की फिजिक्स का और क्लास 9 की फिजिक्स का ग्रुप है नून अकेडमी में, उन दोनों के ग्रुप्स के भी लिंक डाल दूंगी। अगर आपके सराउंडिंग्स में भी किसी ने ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा। होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।